अम्मी मेरा वाहिद दोस्त था जो कि कुंवारा था, अब घोड़ी चढ़ने लगा है, सोचें कुछ। अब आप हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखे। मेरी जिंदगी में शादी कर लो ना बेटा। पता नहीं किस किस्म की लड़की चाहिए उन्हें। आज से ये खानदान आपका हुआ। देखो मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी अम्मी और दादी मेरे साथ रहे। चांद सी दुल्हन ढूंढ ली है। क्या? अरे जिसको मैं पसंद करता हूँ उससे एक बार मिलने में क्या हर्ज बताएं? अरे दादा को भगा कर लाई थी मैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। और से देखूंगी मैं उसको। नहीं मैं फरीजी से प्यार करता हूँ। इसने जानबूझ के मेरे लड़के को फंसाया है। मुझे भी आपके बेटे से शादी नहीं करनी। देखो बेटा लड़की वालों के सामने ना हल्के से ऐसे सर हिला देना। ये देखिए मिस्टर शौकत, ये लड़की बिल्कुल आपके मियार के एन मुताबिक, आपके फर्मा बरदार पढ़े लिखे लड़के के लिए बिल्कुल सूटेबल है। आपके इंजीनियर के लिए ऐसी लड़की ढूंढी है कि आप दुआएं देंगी। ठीक है, चांद सी बहू है वो तो ठीक है, लेकिन ये स्लीवलेस तो नहीं पहनती ना। देखिए हमें मॉडर्न लड़की चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा मॉडर्न ना हो। जीन्स शर्ट के ऊपर भी वो दुपट्टा ओढ़ती हो। आखिर हमारे भी मिलने जुलने वाले हैं, उन्हें भी जवाब देना होगा ना। ओके ठीक है, फिर ये रिश्ता कैंसिल। आपके लिए नेक्स्ट पेज टर्न करें, इस पे एक और लड़की की तस्वीर है, देखें। यस ये वाली डॉक्टर। डॉक्टर? लेकिन गोल रोटी। गोल रोटी भी बनाएगी, पहले जॉब पे जाएगी, गोल रोटी बनाएगी, आपका घर भी संभाल लेगी, नो वरीज। जॉब? नहीं नहीं, अगर ये जॉब करेगी तो फिर घर को कैसे संभालेगी, मेरे गुड्डू को कैसे संभालेगी। हाँ ये मसला तो है, तो फिर ऐसा करते हैं डॉक्टर बहू भी कैंसिल। नहीं नहीं डॉक्टर बहू है तो अच्छा रहेगा ना, पूरे खानदान में नाम भी रहेगा और पूरे घर की रूटीन चेकअप भी होती रहेगी, वो भी मुफ्त। अप्रोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन ये लड़की आपके लिए नौकरी नहीं छोड़ेगी, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल आपके मियार के एन मुताबिक बहू ढूंढती हूँ, जो स्लीवलेस भी ना पहनती हो, कोल्ड रोटी भी बनाती हो, खूबसूरत भी हो, अच्छे खानदान की भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, मासूम भी हो, छोटी उम्र की भी हो और गुंगी भी हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है इस तरह की लड़कियां इंतहाई नायाब हो गई हैं, एक नायाब जानवर की तरह। इन्हें ढूंढने में बहुत वक्त, दिक्कत, मेहनत सब रिक्वायर्ड होता है और इसीलिए इसकी फीस भी डबल होगी। मिसेस जोजी आप फीस की बिल्कुल भी फिक्र मत करें, बस एक मासूम सी लड़की ढूंढ दें। आप खुद भी एक बेटे की माँ हैं, आप समझ सकती हैं कि इकलौती बहू कैसी होनी चाहिए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि आपने मेरी परेशानी को समझा है, इसलिए मैं भी आपकी परेशानी को समझूंगी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की लड़कियां लवे की फैक्ट्री में बनना बंद हो गई है। आजकल की लड़कियों की जबानें कैंची की तरह कचर 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 चलती है और बस क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन क्योंकि आप जोजी के पास आई हैं इसलिए जो जी में आए मांगे, मैं आपके लिए ऐसी ही बहू ढूंढूंगी जिसकी जबान सिली हुई हो, सास के सामने एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाले। अरे काश मेरे गुड्डू को बस ऐसी लड़की मिल जाए। आपका टाइम पूरा हो गया मिसेस शौकत, माय नेक्स्ट क्लाइंट प्लीज। ठीक है। काश ऐसा दूल्हा मिल जाए मेरी परी को जो उसे बहुत खुश रखे, उसकी हर बात माने और उसका गुस्सा बर्दाश्त कर ले, बस। वाह दुर्दाना वाह, बजाय इसके कि अपनी बेटी के लिए हिदायत मांगो तुम दूल्हे के लिए सबर मांग रही हो। हाय अम्मी जी, आप जानती तो हैं परी से को, उसे कोई लड़का समझ भी नहीं आता ना। अरे तुम्हारी बेटी किसी को क्या समझेगी, मिजाज देखे तुमने उसके। दुर्दाना बीबी याद रखो कि लड़कियों की लंबी जुबान उन्हीं के गर्दन पे लिपट जाती है शादी के बाद। हाय अल्लाह अम्मी जी ऐसे तो ना कहें, मेरी परीजे पढ़ी लिखी है, समझदार है, कमाती है, इतनी बहादुर है। दुर्दाना ये खसूसियात तो दामादों में ढूंढी जाती है और बहुएं तो सादा मिजाज चाहिए होती है, नाजुक सी, और अगर डरी सहमी हो तो सोने पे सुहागा। परीजे और डरी सहमी? यही तो दुर्दाना, यही तो। मैं तो तुम्हें सारी उम्र समझा समझा के थक गई, बिन बाप की बच्ची है उसको उठने बैठने का सलीका समझाओ, जैसी तुम हो वैसा ही बनाओ उसको। मैंने तो अपने मंसूर अली के लिए तुम्हें इसीलिए चुना था कि तुम धीमे मिजाज की हो, धीरे धीरे बात करती हो, नजरें नीचे रखती हो, सारे की बात सुन लेती हो, मगर तुम्हारी बेटी
अल्लाह तौबा तौबा तौबा, वो तो पटाखा है। अम्मी जी आप जानती तो हैं परीजे जरा लापरवाह है, लेकिन बच्ची है ना अभी। बच्ची? अरे वो तो बड़े बड़ों को सीधा कर दे, आफत की पुड़िया है। लड़कियों वाली नजाकत है कहाँ उसमें। कहा भी करती थी मैं कि इस हाल में सुल्तान राही की फिल्में ज्यादा मत देखो, मगर कहा जी, मेरी बात कौन सुनता है। अब देख लिया ना नतीजा, कैसी मर्दाना किस्म की खसूसियात आई है लड़की में, मरने मारने को तैयार है जरा जरा सी बात पर। अम्मी जी बहुत फिक्र लगी रहती है मुझे परी की, समझ ही नहीं आता कि क्या बनेगा इस बच्ची का। लेकिन आज जैसी ये घर आएगी ना, आप फौरन उससे दो टोक बात कर लें। अरे अभी कहाँ है कि वो, पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ती फिर रही होगी। कहाँ रह गया यार। अबे क्या यार, कब से अजीब आदमी हमेशा लेट। अरे बस यार क्या बताएं, अरे शादी कब है बता। इसी महीने अब आता हूँ घर कार्ड लेकर। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि अब तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए यार, जितने भी दोस्त थे सारे किनारे लग गए, लेकिन जॉर्जी आंटी को अपनी पसंद की बहू मिलती नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़की चाहिए उनको, सारी तुम्हें झाके रिश्ते कराती फिरती हैं, बस मेरी फिक्र नहीं उनको। अबे लेकिन तू भी तो उनके काम में उनकी हेल्प करता है ना, सारा दिन लड़कियों का बायोडाटा इकट्ठा करता रहता है, अपनी भी कोई ढूंढ ले लड़की। अरे यार मेरे लिए तो कोई भी चलेगी, मेरी कौन सी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है अम्मी की तरह, अम्मी को पसंद आ जाए बस। बेटा आंटी को ना कोई लड़की पसंद नहीं आने वाली, बता रहा हूँ तुझे मैं, तू ना भाग के शादी करने की तैयारी कर ले। तेरा दिमाग खराब हो गया, अम्मी को अगर पता लग गया ना कि मैं भाग के शादी कर रहा हूँ, टांगे काट देंगी मेरी, जान ले लेंगी। अरे यार मुझे तो लगता है कि बस अब शादी के अरमां के साथ ही मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। यार तू आंटी से इतना डरता क्यों है, मुझे लगता है कि तू इसी इंतजार में ना बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन चल कोई नहीं, वो मेरे बच्चे खिला ले, वो तुझे बड़े अब्बू कहा करेंगे। आउच। इसकी तो मैं अभी देखता हूँ। हेलो मिस्टर, हेलो, अंधे हो क्या, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। अरे दिखाई तो लगता है आपको नहीं देता, इतनी बड़ी गाड़ी सामने से तो नजर आई। बदतमीजी कर रहे हो मुझसे, तुम्हारी तो कंप्लेन करूंगी मैं। गाड़ी का नंबर क्या है तुम्हारा? 233। थाने जाती हूँ और बंद करवाती हूँ इस गाड़ी को मैं। हाँ लड़की समझ के दो सिवाओगे मुझ पे, कोई आम लड़की नहीं हूँ मैं, डरती वरती नहीं हूँ किसी से समझे। अरे डरती नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, एक तो गाड़ी ठोक दी थी महंगी, और ये तुम्हारी ये फटीचर बाइक ऊपर से बातें सुना रही हूँ। तुम्हारी वजह से लग गई मुझे, चोट लगी तो मैं क्या करूँ, मेरी बाइक गिर गई और कह रहे हो कि मेरा कहाँ कहाँ दिया तुम, सामने से ही तुमने मेरी बाइक उठाओ। मैं क्यों उठाऊं, मेरी बाइक उठाओ। मैं क्यों उठाऊं, नहीं उठा रहे, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, पुलिस को बुलाती हूं। बचाओ बचाओ, बिल्कुल बदतमीजी कर रहे हो लड़का मुझसे। एक मिनट कह रहा हूं उठाता हूं। तो मेरी गाड़ी मार दी, शर्म नहीं आती मेरी गाड़ी, जल्दी करो ये लो और जाओ, अब खुदा का नाम है इडियट। लड़की थी यार, वाकई क्या लड़की थी यार। अबे बस कर दे, पता ना जॉर्जी आंटी यहाँ होती तो क्या कहती उस लड़की के बारे में। देखिए मिसेस दुर्गा,
वो सब तो ठीक है लेकिन लड़की बिल्कुल भी जबान दराज और तेज नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी परी से तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही धीमे लहजे में बात करती है और बहुत खुश अखलाक बच्ची है, और आपको बताए घर के कामों में तो बहुत ही फरमा बरदार है। अब बस अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो प्लीज बताइएगा। देखिए अगर आपने जो जो खसूसियात बताई हैं वो सब लड़की में मौजूद हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन बस उनकी एक छोटी सी शर्त है कि लड़की शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। अंदाज से हाँ नहीं करेगी, हमें ना सारी शर्तें मंजूर हैं, बस लड़के की फैमिली अच्छी होनी चाहिए। देखिए मिसेस दुदाना, अगर लड़कियों की जबानें कंट्रोल में होना तो उन्हें ससुराल में कोई मसले मसाइल नहीं होते, ये तो वो शातिर और खुदसर लड़कियां होती हैं जिनकी जबानें उनके कंट्रोल में नहीं होती और वो कभी अपना घर बसा ही नहीं पाती, यू नो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो बस ठीक है, फिर मैं लड़के वालों को आपकी तरफ ले आती हूँ और आमने सामने दोनों पार्टीज बैठ के सारे मामले तय कर लें। बिल्कुल ठीक है, मैं बस आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। एडवांस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। थैंक यू। अम्मी अम्मी भूख लग रही है, खाना लगा दें। सलामुलेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कभी तुम भी बावर्ची खाने का रुख कर लिया करो बेटा। अरे बिल्कुल रुख करूंगी दादी, बस आप वादा करें कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना सबसे पहले आप चखेंगे। क्यों, मेरी अकल पर क्या ताला लग गया है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं और मर जाऊं? तो ये तो माओं के काम होते हैं ना कि बेटियों को ये सारे मामलात समझाएं। अगर तुम्हारी माँ, वो तो बिल्कुल गाय है कि गाय, एक बेटी उसकी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। बच्चे तो माओं के इशारों पर उठते बैठते हैं और एक तुम्हारी माँ है, लो आ गई रोटी धोती तुम्हारी माँ। आए अम्मी जी आइए, दादी कब से आपकी ही तारीफें कर रही हैं। अरे ये क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गई थी, चोट लग गई। अब देखो ना क्या जरूरत पड़ी है मोटरसाइकिल चलाने की, मैं तो कहती हूँ बंद करो ये सब कुछ, वैन लगवा दो इसको, ताकि वो मेरी महीने की सैलरी से 10-12 हजार रुपए ले उड़े। नहीं भाई, मेरे लिए तो मेरी बाइक ही बेस्ट है। अच्छा सुनो, वो कल तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना। हाँ क्या फिर आपने किसी को बुला लिया अम्मी? हाँ, और जब तक तुम्हारी बात पक्की नहीं होती ना ये सिलसिला जारी रहेगा। और बेटा सुन, कल लोगों के सामने अपना मुंह मत खोलना। क्यों, क्या आपने उनको बताया कि आपकी पोती गूंगी है? हाय अल्लाह। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। अम्मी हेलो मिस्टर सनी, कहाँ गायब थे तुम सुबह से? वो अली है ना, अली उसकी शादी की शॉपिंग के लिए गया था। मी मेरा वाहिद दोस्त था जो कि कुंवारा था, अब घोड़ी चढ़ने लगा है, सोचें कुछ। अब आप? मैं क्या सोचूं, ये तो वो खुद सोचे। अरे इतनी बदतमीज लड़की, मैं तो कभी ऐसी लड़की को पसंद ना करूं, कब से जानती हूँ मैं उसे, इतनी बदतमीज़ है कैंची की तरह उसकी ज़बान चलती है, कचर कचर कचर। तो आप क्या मेरे लिए कोई गूंगी बहरी बहू लाने के प्लान में है? अरे मेरा एक ही तो बच्चा है, चांद सी दुल्हन लाऊंगी उसके लिए, अच्छी तरीके से छान पटक करके बारीकी से ढूंढ के। कोई आलू टींडे जो बारीकी से छान पटक करके लाएंगी? सनी ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं है, अभी दुल्हन घर में आई नहीं और बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ऐसा मेरा पाला पोसा बच्चा है ऐसी आंखों पे पट्टी बांध के किसी की झोली में डाल दूं? हरगिज नहीं। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? 30 बस। अरे मैंने तो 40-40 साल की उम्र के लड़कों की शादी ये चुटकी बजा दे करा दी। मैं 40 कहूंगा तब मेरी शादी कराएंगी, तब तो अली के बच्चे भी जवान हो जाएंगे। अरे अली के बच्चे होंगे तब ना, जो जी मैरिज ब्यूरो का इतने अरसे का तजुर्बा है, देखना जुम्मा जुम्मा 4 दिन में ना इसकी तलाक हो जाएगी। क्या बातें कर रही हैं आप,
क्या मतलब है, क्या बातें कर रही है, मुझे ये बताओ, काम की तरफ ध्यान दो। मिसेज अंजुम के यहाँ से रिश्ते की पेमेंट आ गई? नहीं। ये औरतें भी ना, इनके बारे में सोच के तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसे तो मेरा बिजनेस ही ठप हो जाने। और उसका क्या हुआ, वो जो जुनैरा के लिए लड़का शॉर्टलिस्ट करना, वो कर लिया लड़के शॉर्टलिस्ट, आप देखी। इतनी बददिली से लड़का शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कि क्या चक्कर है, बड़ा ध्यान नहीं लग रहा तुम्हारा आजकल बिजनेस की तरफ, थोड़ा ध्यान दो। हाँ क्या हुआ, आगे दिखाओ। ओहो, ये खुसूसी सी जो चमक है तुम्हारी आंखों में, ये कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं, नहीं। क्या हो गया, कितनी फनी हो गया, क्या लड़की का चक्कर, क्या क्या, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। बात सुनो सनी, सनी कसम खाओ कोई लड़की का चक्कर नहीं है सनी। अरे तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, और ये क्या पहना हुआ है तुमने? मैं तुम्हारे लिए जोड़ा निकाल के तो गई थी। तैयार हो तो गई अम्मी, कितनी अच्छी लग रही हूँ, देखे अच्छी लग रही हो ना। ऐसे जाओगी तुम लड़के वालों के सामने? अम्मी अब मैं दुल्हन बन के तो जाने से रही उनके सामने। बेटा देखो, लड़के वालों के सामने ना बस हाँ और ना में बात करना, बल्कि ये भी करने की क्या जरूरत है, हल्के से ऐसे सर हिला देना, और हाँ मुस्कुराकर थोड़ा शर्माना भी। नहीं, एक मिनट। हाँ कैसे कैसे करके दिखाएं दोबारा? ऐसे। लड़के वालों के सामने अगर तुम इस तरह हंसी ना तो बहुत पिटोगी, बिल्कुल दबी हुई हंसी होनी चाहिए। हंसना भी है, कैसे हंसना है, हंस के दिखाएं। शाबाश, कोई भंड नहीं होगा अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक होगा। ये हुई ना बात, अब जल्दी से मेरी बच्ची कपड़े पहनेगी, हल्का फुल्का मेकअप कर और तैयार हो जा, वो लोग आने वाले होंगे। और हाँ वो जो किचन में चाय की ट्रे पड़ी है ना, वो भी लाना मत भूलना। और मेरी बच्ची बिल्कुल मशरूम की लगनी चाहिए। हाँ जल्दी तैयार हो जा। हाँ ऐसी मशरूम की लगूंगी मैं कि सब देखते रह जाएंगे मुझे। भाई लड़का इंजीनियर है प्रोफेशन से, और इकलौता है, खाता है कमाता है, घर वालों का फरमा बरदार भी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस ऐसी बहू चाहिए जो घर वालों का भी ख्याल रखे और घर का भी सब संभाल ले। आप लोग लड़की को तो बुलाए ना। जी परीजे, परीजे बेटा आ जाओ। आपकी लड़की काफी शर्मीली लग रही है मुझे। बेटा तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है, अपना चेहरा तो दिखाओ। मिसेस जोजी, लड़का लड़की भाग लिया है। ये परीजे है, मेरी बेटी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपको बहुत हंसी आ रही है। वो मेरी अम्मी ने कहा था जब हंसी आए ना तो गुटी गुटी सी हंसी हंसना। तुम्हें हम लोगों को देख के हंसी आ रही है? नहीं ये बात नहीं है, दरअसल हमारी बच्ची बहुत हसमुख है। अच्छा आप पूछ ले। बेटा सुना है तुम नौकरी करती हो? जी छोड़ देगी जैसे रिश्ता पक्का होगा तो छोड़ देगी। अरे नहीं हम लोग बहुत मॉडर्न जमाने के लोग हैं, बहू की नौकरी करने पे हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि बहू नौकरी के साथ साथ घर भी संभाल सकती हो। अच्छा यानी आपको कमाओ बहू भी चाहिए और बहू के हाथ की गोल गोल रोटी भी? हाँ तुम गोल रोटी तो बना लेती हो ना। आपका बेटा सही से आटा तो गूंद लेता है ना। ये किस तरह के सवाल कर रही हो लड़की? हाँ
तो जब जॉब से थक हार के घर पर आएंगे तो ये आटा गूंदेगा, मैं रोटी बना दूंगी, ये बर्तन धोएगा, मैं कपड़े धो दूंगी, ये एक दिन मेरे पांव दबाएगा, एक दिन मैं इसके पांव दबा दूंगी और इस तरह हमारी गाड़ी चलेगी। मेरा दिमाग खराब हो गया लड़की, इस तरह की लड़कियों की कभी शादी नहीं होती जिनकी जबान कैंची की तरह से कचर कचर चलती हो। हाँ 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 जानती हूँ मैं, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोगों को ऐसी लड़कियाँ चाहिए जिनकी जबान भी बंद हो और दिमाग भी, और कोलू की बैल की तरह जहाँ दिल चाहे हाँक दे उन्हें। 20 साल तजुर्बा है जोजी का, तुम जैसी मर्दाना तबीयत की लड़कियों के रिश्ते कभी भी नहीं हो सकती। हेलो 20 साल से यानी कि लड़कियों की परेड करा रही आप इन जैसे लड़कों के आगे, जिनको बहू की सूरत में चाबी की गुड़िया चाहिए जो हमेशा से इनके हिसाब से चले। आप पर तो ना केस होना चाहिए। एक बात तो मेरी लिख कर रख लो लड़की, दुनिया की कोई भी सास तुम जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगी। अरे हटो यहाँ से, हमें रिश्ता करना भी नहीं है। अरे सुनो कुछ वाह वाह साई, इस तरह तो हो चुका तुम्हारा रिश्ता। तुम्हारी वजह से मैंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, अपने आप को गुनहगार किया, उन लड़के वालों को बुलाया। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकती थी? अच्छा खासा लड़का था, हाथ से चला गया। अच्छा अच्छा लड़का जो मम्मा मम्मा कह के मिनमिना रहा था। वैसे आपको भी ना मेरे बारे में सब सच बता देना चाहिए था। ना बेटा क्या बताते, ये कि हमारी लड़की बहुत खुदसर है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। हद करती हो तुम भी, खाम खा हमने इतने पैसे दे दिए एडवांस में। दादी वैसे भी ना मैं ऐसे बेहिस लोगों में अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती जिन्हें बहू नहीं मशीन चाहिए, जिनका बेटा लाख निकम्मा हो लेकिन बहू परफेक्ट होनी चाहिए, बल्कि उसकी तनख्वाह पे भी अपना हक समझते हैं, इवन उसकी जिंदगी पे भी। और रही बात एडवांस की ना, तो वो तो मैं वापस लेके आऊंगी। बेटा ये मनहूस नौकरी तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो, हमें क्या जरूरत है? मंसूर इतना छोड़ कर गया है कि हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। दादी मैं पैसों के लिए जॉब नहीं करती, अपने शौक से करती हूँ और जब दिल चाहेगा छोड़ दूंगी, लेकिन उस इडियट लड़के के लिए मैं अपने ख्वाब सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बस कह दिया मैं। हाय मेरे अल्लाह मियां जी मर गई, हाय मेरी कनपटियां। उफ मिसेज अंजुम की फाइनल पेमेंट। तबीयत तो ठीक है आपकी, क्या हुआ? हाय मत पूछो भाई मत पूछो, आज तो बड़ा कयामत दिन था। मिसेस शौकत के बच्चे का रिश्ता लेकर गई थी मैं, घर में हजारों रिश्ते कराए मैंने सनी पर, ना पूछो क्या क्यामत लड़की थी, आफत की परकाला, ऐसी कोई जबान उसकी है, मैं बस तूफान थी, जिस घर में जाएगी ना क्यामत लाएगी। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? कौन सा उस लड़की ने इस घर में आ जाना है? हादर, हादर! किस किस्म की बातें कर रहा था, बत, 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 जोर से तड़का दिया है। ऐसी लड़की से शादी करने से बेहतर मैं तेरा गला घोट कर तुझे मार डालूं। मेरा क्यों गला दबाएंगी, उसका गला दबाएगा ना, क्या बातें कर रही हैं? चलें आप आराम करें, मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए। खाना लगा दो, बीपी लो हो रहा है मेरा। ओह बहुत बुरी लड़की थी भाई, बहुत बदतमीज, अल्लाह हाय। एक्सक्यूज मी वो मेरी बात सुनो प्लीज जरा। क्या है? मुझे जल्द से जल्द अपनी पसंद की बहू लानी पड़ेगी। बहू मुझे रिफंड दो अभी के अभी। भोली भाली माओ को उनकी बेटियों के अच्छे रिश्ते की लालच देके हजारों रुपए बटोरते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और किस तरह के इडियट लोग भेजते हो जिन्हें जीती जागती लड़की नहीं बल्कि ड्रामो की बहू चाहिए, जिसकी जबान भी बंद हो और दिमाग भी। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम तो यहाँ सिर्फ नौकरी करते हो, वैसे इससे ज्यादा बकवास जगह नहीं मिली थी नौकरी करने के लिए। खैर तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे रिफंड दे दो मेरे पैसे। देखो
वरना मैं इस मैरिज ब्यूरो की वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी और जरूरत पड़ी ना तो एहतजाज भी करूंगी, बल्कि दफ्तर ही बंद करवा दूंगी मैं। तो फिर तो तुम्हारी नौकरी गई, तो इससे अच्छा है कि तुम कहीं और नौकरी ही ढूंढ लो। पैसे दो। ये ले। थैंक यू। है तो सही रहे वैसे। एक्सक्यूज मी, वो मेरी बात सुनिए प्लीज जरा। क्या है, मेरे पीछे क्यों आए हो? पैसे वापस नहीं करूंगी मैं तुम्हें। नहीं, पैसे नहीं चाहिए आपके, पैसे आप सारे अपने पास रखें। दरअसल ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक के पास है, मुझे लिफ्ट चाहिए आपसे। लिफ्ट? जी, आपकी बातों ने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं ना इस नौकरी को अभी इसी वक्त लात मार के आ रहा हूं, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ये नौकरी नहीं करूंगा। मिस परीजे, बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि बहुत ही अच्छा किया कि ये नौकरी छोड़ दी, है ना? अब आप मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे ना? ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं नंबर दे दूंगी तुम्हें अपना, अपनी सीवी सेंड कर देना, कुछ हुआ तो बता दूंगी। हाँ ठीक है। मुझे लिफ्ट। लिफ्ट? जी हाँ ठीक है, बैठो। वो मेरा घर पास में है ना, आप क्या अंदर जाएंगी, ख्वार होंगी, मैं चला जाऊंगा खुद ही। ठीक है। वो आपका नंबर? ओ हाँ, एक मिनट। हेलो जी, जी मेरी बात हो गई है लड़के वालों से, बस वो पहुंचने वाले होंगे। अरे जोजी का वादा है आपसे भाई, मैं भी पहुंच जाऊंगी उनके पहुंचने से पहले। जी पहुंच रही हूँ, खुदा हाफिज। सनी, ये मेरा नंबर है, मुझे इस पे अपनी सीवी सेंड कर देना, फिर जो भी हो सका मैं कर दूंगी। सुने? कोई बात नहीं। अम्मी क्या चल रहा है, फिर से परेशान लग रही? सच सच बता दो मुझे सनी, तुम्हें कसम है सनी, मुझे सच सच बताओ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौन थी वो चुड़ैल, वो कौन लड़की थी जिसके साथ तुम बाइक पर घूम रहे थे अपने पीछे? कोई नहीं, वो लड़की कहाँ थी अम्मी, क्या हो गया आपको? लड़का था वो। लड़का है? मैंने तो इससे पहले तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा, इतनी दराज जुल्फों वाला, जिसकी दराज जुल्फे हेलमेट से निकल निकल कर उड़ रही हो। ओहो, वो अली नहीं है, उसका कजन था, वो अमेरिका से आया हुआ है, बाल तो उसको बाकी बहुत लंबे हैं। तो वो उसके बाल कटवाने के लिए हम निकले थे और हम सलोन गए तो सलोन बंद था, तो फिर हमने नहीं कटवाया, फिर हम कल दोबारा जाएंगे। उसकी तो मूछें बहुत लंबी थी, वो नहीं देखी आपने? नहीं, बहुत ही जनाना था वैसे वो। हाँ कुछ ऐसा ही है, उसको लोग छेड़ते भी हैं काफी। मिलाऊंगा आपको कभी? माफ करो मुझे, मुझे नहीं मिलना उससे। अरे ऐसे शख्स से क्या मिलना जिसका पता ही ना हो कि आ रही है या आ रहा है, जा रही है या जा रहा है। तुम भी ना मिला करो, बल्कि सनी
उनके साथ घूम घूम के वैसे ही हो जाओगे अजीब से। क्या क्या हो गया, कैसी बातें करी, किस तरह की फिल्में देखनी शुरू हो गई आप आजकल? आपका नेटफ्लिक्स बंद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, आप फिक्र मत करें, मैं दूर होगा, नहीं मिलूंगा उससे, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। ख्याल रखो। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है। ये ले पैसे और आइंदा ऐसे किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा, फजूल जगह पे नहीं। हर माँ का ख्वाब होता है अपनी बेटी का घर बसता देखना। परी और कुछ नहीं तो अपनी दादी का ही ख्याल कर लो, मेरी जिंदगी में शादी कर लो ना बेटा। अरे अरे अरे, क्या हो गया आप दोनों को? किसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी? मैं बिल्कुल शादी करूंगी। हाँ लेकिन कब? जब कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो मुझे ऐसे ही कबूल करेगा जैसी मैं हूँ, बिना किसी बनावट और छूट के। बेटा तुम बहुत ख्वाब देखती हो। वैसे तुम हो बहुत बहादुर, क्योंकि बहादुर लोग ही ख्वाब देखते हैं। बुजदे लोग जो होते हैं ना, वो तो ख्वाब देखने से भी डरते हैं। अब तुम हर मुश्किल काम खुद कर लेती हो, हर फैसला तुम खुद ले लेती हो। मगर मेरी जान, मर्दों को ना ऐसी बहादुर लड़कियां अच्छी नहीं लगती। उनको तो अच्छी लगती हैं डरपोक सी, नाजुक सी, परेशान सी, जिनका वो सहारा दे सकें, उनका डर मिटा सकें। बहादुर लड़कियों से घबराते हैं वो। पर कोई एक तो होगा ऐसा जिसे हुकूमत करने की नहीं बल्कि साथ की जरूरत होगी, जो मेरे साथ मिलकर ख्वाब देखे भी और उन ख्वाबों को मिलकर हम पूरा भी करें। बेटा कहाँ है दुनिया में ऐसे लोग? ऐसे लोग तो बस सिर्फ ड्रामों में होते हैं। क्यों दुर्दाना, वो हम देख रहे थे ना ड्रामा, उसमें वो जो लड़का था वो नहीं था ऐसा? जी अम्मी जी, उस ड्रामे में वो जो लड़का नहीं था शायान, अम्मी जी बिल्कुल वो वैसे ही है जैसे मेरी बच्ची को चाहिए। अब देख लो।
हो क्या करूं? परीजे तुम यहाँ कैसे? वो मैं इत्तेफाक से बस में यहीं से गुजरी रहा था, आपको मैंने देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक गया। अच्छा वो दरअसल अब सुने ना, वो नौकरी नहीं है ना मेरे पास, तो मैं जगह जगह ना सीवी बांटता फिर रहा हूँ। ये ले मेरा सीवी। ठीक है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ थैंक यू। सुनिए ये तो जाने के काबिल नहीं है, तो आप कहाँ जा रही है? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं थैंक यू। नहीं नहीं देखिए, उस दिन आपने मेरी मदद की, आज मेरे पास गाड़ी है तो आज मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। नहीं अगर आपका दिल नहीं करा मेरी गाड़ी में बैठने का तो ओके, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। अरे मुझे दरअसल बात करनी ना आपसे, इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है, बोलो भी। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, और फिर वो नंबर जो था पर्ची वाला, वो पर्ची पता नहीं कहीं गुम गई, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर अपने ऑफिस से मैंने आपके ऑफिस का एड्रेस लिया, फिर मैं यहाँ पे आपकी बाइक खड़ी हुई देखी, फिर मैंने तुम्हारी बाइक पंचर की, मैंने कहा तुम अपनी आराम से गाड़ी में बिठाऊंगा और रास्ते में सुकून से बात करते हुए जाएंगे, लेकिन वो तुम ऐसे मुझे घूर के देख रही हो, मुझे डर लग रहा है तुमसे कैसे बात करूं। परीजे रिक्शा रिक्शा रुको। एक मिनट रुको सनी, आओ रास्ते में बैठ के बात करते हैं, आओ जल्दी आओ। अरे वहां से आओ। चलो भैया। हाँ आप बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? वो ना दरअसल वो मैं हम रिक्शे की आवाज कुछ ऊंची नहीं है। बस बाजी जरा इंजन का मसला है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा वो दरअसल ना मैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना बाजी, हम गरीबों पे तो बाहर टूट पड़ा। वो परी मैं दिन की बात। अरे बड़े दिल गुर्दे का काम है इस महंगाई में रिक्शा चलाना। अरे यार तुम क्या बात है बीच में बोली जा रहे हो, मुझे अपने दिल की बात तो करने दो, तू करो तुम बोलो। परी दरअसल बात ये, जब से मैंने तुम्हें देखा ना मैं तुम पे फिदा हो गया हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लड़की छेड़ रहा है बाजी, तुम फिकर नहीं करना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसकी तो मैं बदनाई करूंगा, बदनाई करूंगा, सारी जिंदगी याद रखेगा ये। परी परी बेशक बेशक तुमने मुझे शादी करनी है, बेशक ना करो, फिलहाल इससे बचा लो मुझे। कहो क्या कहना था तुम्हें? कुछ ऑर्डर कर लेना पहले। रिक्शे में कुछ कह रहे थे ना तुम मुझे, क्या बात है? हाँ वो इतनी खामोशी है, वो हाँ वो शादी। हाँ या ये वो, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। शादी 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 करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ शादी तुम्हें पता भी शादी कितनी सीरियस चीज होती है? अरे चलो इसे छोड़ो, तो मुझे ये बताओ तुम कितना जानते हो मुझे? मैं जानता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम स्ट्रांग हो, सीधी बात कहने वाली हो, फालतू बात बर्दाश्त नहीं करती हो, बाइक बहुत अच्छी चलाना जानती हो, और ये रिश्ते के लिए जो परहेज लगानी पड़ती है ना वो तुम्हें सख्त ना पसंद है, इसलिए मेरी एडवाइस है तुम्हें लव मैरिज करनी चाहिए, और मुझे ना अभी इसी वक्त तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। अच्छा मतलब दूसरी मुलाकात में कोई किसी को शादी के लिए कैसे पूछ सकता है? मैं तो पहले में ही पूछने वाला था। अच्छा हुआ नहीं पूछा, मैं झट से मना कर देती। तो अब? अब सोचूंगी, लेकिन देखो उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों को मेरे घर भेजना होगा, मेरी अम्मी और दादी से मिलने। हेलो इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे,
ये शायद परी को तो कभी प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी अम्मी और दादी बहुत परेशान रहती हैं मेरे लिए। वो चाहती हैं कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं, हर वक्त परेशान रहती हैं, हर वक्त चिक 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 शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। तो बस मैं शादी करना चाहती हूँ। उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। आई नो। हेलो। हाँ हाँ यास्मीन, मिसेस जोजी बोल रही हूँ। 100 दफा बात करती हूँ पर हर दफा यही बात पूछती हो तुम। मेरी बात सुनो, टाइम वेस्ट ना करो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम से तुम्हें कॉल किया। मैंने ठान लिया सनी की शादी, बस उसकी शादी करवानी है मुझे। तुम लड़की ढूंढो। हाँ सोच लिया मैंने, लड़की डॉक्टर होनी चाहिए। हाँ बेहतरीन। सुनो, घर के काम में लड़की ताक हो और बोलती बिल्कुल ना, पसंद ही नहीं है ये मुझे ज्यादा पटर पटर करने वाली लड़कियां। अरे एक और बात तो सुनो, लड़की ना देखने में ऐसी होनी चाहिए परी जैसी, मेरे सनी के साथ उठे बैठे चले फिरे तो जचे तो सही ना। हाँ मेरा आखिरी फैसला है, बस कोई काम नहीं करना तुमने, लग जाओ इसी काम पे। बस सनी की शादी मुझे जल्द से जल्द करवानी है और दैट्स इट। अरे तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, ढूंढना शुरू करो लड़की, बहुत बोलती हो तुम। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत बोलती है ये। मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। मिलवाना है? यतीम मस्कीन है या फिर आपके कोई घर वाले भी हैं? नहीं नहीं, एक अम्मी है मेरी आंटी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। थैंक यू, शुक्रिया। वो मुझे आप दोनों को किसी से मिलवाना है। मिलवाना है? तुम निकाह करके आई हो? हाय अल्लाह, निकाह वो भी ये जीन्स और कुर्ती में? ओ बेवकूफ लड़की, मुझे याद नहीं है मैंने वो सारा की शादी में तुझे लहंगा दिलाया था, कम से कम वही पहन लेती। ओहो, वो निकाह करके आई है और तुम हो के उसका ड्रेस डिस्कस कर रही हो? ओहो दादी, मैंने कोई निकाह नहीं किया। तो कर आती ना, हमारा क्या था, 2-3 आंसू बहाते उसके बाद हम मान जाते। ओफो, आप दोनों बोलने देंगी मुझे? हाँ हाँ बताओ। वो दरअसल बात ये है कि कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है। तुमसे? हाँ नामुमकिन है भाई, नामुमकिन। दादी यकीन नहीं आ रहा ना, एक मिनट, बस एक मिनट। सनी, सनी आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठो ना। हाय सनी, इतना छोटा सा नाम दामाद का। मेरा नाम सलमान है आंटी। सलमान, हाँ बड़ा अच्छा नाम है। हाँ तो आप ये बताइए, आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते? जी अगर आप दोनों की रजामंदी हो तो। हाँ हाँ रजामंदी है, हम राजी हैं बिल्कुल, तुम कबूलो हमें। सलमान मियां, आप यतीम मस्कीन हैं या फिर आपके कोई घर वाले भी हैं? नहीं नहीं, एक अम्मी है मेरी आंटी। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो भाई, जाओ जाके उनको लेकर आओ ताकि हम उनसे बात करें तुम्हारी शादी की और कोई तारीख तय करें। बिल्कुल ठीक है। अफशा बेटा आओ, बेटा चाय लेकर आओ। मुनासिब सा घर सेट किया। अरे ये सब छोड़ो, आओ मेरे पास बैठो आकर। पल्लू से उठो। शुक्रिया। ये बताओ डॉक्टरी के अलावा और क्या क्या कर लेती हो? जी सब कुछ। अरे वाह, तो सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, घर के काम काज वगैरह? जी सब कुछ। रोटी बना लेती है? माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट है और रोटियां भी अपने मेडल की तरह गोल बनाती है। माशाल्लाह सारी खूबियां हैं मेरी बेटी अफशा के अंदर। अरे वाह जबरदस्त। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? फोन वोन तो आते रहते होंगे, मोबाइल में पासवर्ड वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, अम्मी को मेरा दोस्तियां करना बिल्कुल पसंद नहीं है,
तो बस मेरी एक ही दोस्त है जिससे भी सालों में एक बार ही बात होती है। अरे वाह 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 वाह। और अच्छा ये बताओ बेटे, अगर कभी सास की तबीयत खराब हो जाए और वो कहेंगे भाई तुम्हें अब घर संभालना है और नौकरी छोड़ देनी है, तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? आंटी जैसा आप कहेंगी। अरे वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बहुत उम्दा। आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्या बेहतरीन तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। दिल खुश हो गया मेरा, आज से ये खानदान आपका हुआ, मेरा बेटा आपका। भाई ऐसी बहू तो मुझे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आजकल की लड़कियों की कोई नजरें हैं? अरे भाई ऐसी खतरनाक नजरों से देखती हैं, बटेरे की तरह बंदे की शख्सियत को लीरा लीरा कर देती हैं वो तो। और आपकी बेटी हंसते झुका कर बात कर रही, दिल जीत लिया इसने मेरा, बस यही मेरी बहू है। और ये भी मैं आपको बता दूं, शर्मा गई वरना शर्मो है कहां बाकी है आजकल की लड़कियों में, भाई बिल्कुल भी नहीं, बेहतरीन तरबियत। रही बात मेरे सनी की, ठीक है, तो सनी की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, एक दो दिन में मैं इनकी मुलाकात करवा दूंगी और उसके बाद मैं सनी को घर ले आऊंगी, ये मेरी बहू है, बस मेरी अमानत है आपके पास। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे मैं तो करूंगी, आप करे ना पहले मुंह मीठा, मैं तो करवाती रहती हूँ मुंह मीठा, कभी इसका कभी उसका, आप खाइए बस। सनी कहाँ रह गए थे तुम, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें मुझे। कैसी खुशखबरी? मैंने तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ ली है। क्या? हाँ, डॉक्टर अफशा, इतनी खूबसूरत सुगर डॉक्टर बहू मिली है मुझे, उसी से होगी तुम्हारी शादी। कौन डॉक्टर अफशा? मुझसे पूछे बगैर आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया? अरे हाँ, तो मैंने ही तो करवाना था तुम्हारा रिश्ता, तो और तुम्हारी कौन सी सौम आए जिन्होंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी थी, मैंने ही तो ढूंढनी थी। अरे शुक्र करो कैसी अच्छी दुल्हन ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, डॉक्टर है डॉक्टर, ना ढूंढते रहते ले आते कोई मर्दाना किस्म की मोटरसाइकिल चलाने वाली। देखो अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा ना तो घर के घर में इलाज हो जाएगा, खर्चा भी बचेगा। अरे अम्मी लेकिन क्या अम्मी, बस मैंने डिसाइड कर लिया है, कल शाम को तैयार रहना, मैं डॉक्टर अफशा से मुलाकात के लिए लेकर जाऊंगी, अच्छी तरीके से छान पटक कर लेना, बातचीत कर लेना, बाद में ना कहना भाई अम्मा ने सब कुछ खुद ही देखभाल लिया, मुझे तो कोई मौका ही नहीं दिया, जो जी मैरिज ब्यूरो के उसूलों के खिलाफ है। मैं कोई नहीं हो रहा तैयार, मैं नहीं जा रहा, किसी से मुलाकात नहीं करनी मुझे। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कल शाम को जाना है डॉक्टर अफशा से मुलाकात के लिए, दैट्स इट। सनी बेटा तुम्हें कैसी लगी डॉक्टर अफशा? अच्छी है। अच्छी है, क्या कह रहा है अच्छी है? वो पूछो ना, पूछो। क्या 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 पूछो? ना पूछो, मैं बताऊँ क्या पूछो? कुछ भी पूछो, पूछो तो। मैं नहीं कुछ पूछा। पूछता क्यों? बोलूँ जो भी। आप डॉक्टर हैं डॉक्टर अफशा? जी नहीं, दोस्तानी है, कायदा पढ़ाने आई है। ये क्या बकवास सवाल पूछा है, तुम का सवाल पूछो। आप सामने ऐसे बैठी होंगी मुझे देख रही होंगी तो मैं कैसे सवाल पूछूंगा कोई? ये कौन है, शर्मा रहे हो? अफशा मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ, मेरा बेटा ना तुमसे सवाल करेगा, घबरा रहा नहीं, अच्छा शरीफ खानदानी बच्ची है, हैव फन। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज आई एम सॉरी, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आप ना मेरा नाम लिए बगैर ना अम्मी को खुद कह दीजिएगा कि ये रिश्ता खत्म है, आप कह दीजिएगा कि आपको मैं पसंद नहीं आया, बस प्लीज। अच्छा प्लीज रोए तो ना, अम्मी को पता चल जाएगा, मेरी जान का जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ बताओ तुम।
बात तो सुनना। देखिए क्या कहा तुमने अफशा से, हाँ कि तुम उससे शादी नहीं करोगे जी, और ये भी कहा था ना कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो जी। कौन है, कौन है, कौन है वो चुड़ैल, मुझे इसका नाम बताओ तुम। नहीं, चुड़ैल नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। अब एक बार मिल लिया उसे प्लीज, अच्छी अम्मी नहीं है बढ़ाया, अच्छी लड़की क्यों मिलो मैं उससे, ऐसी अपना पला पलाया लड़का मैं उसके हवाले कर दूं, हरगिज नहीं, क्या समझते हैं वो, बढ़िया है। और अफशा से अच्छा वैसे भी कोई नहीं हो सकता, ऐसी कुमकुमे जैसी लड़की है, गोल्ड मेडलिस्ट, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं ना, अच्छा जिसको मैं पसंद करता हूँ उससे एक बार मिलने में क्या हर्ज है बताएं। पता था मुझे, पता था, ये जो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं ना, ये जरूर इश्क के पेचे लड़ाए हुए हैं, वो जो आंखों में खुमार था ना तुम्हारी, मुझे सब अंदाजा था। अरे भाई माए पाले बड़ा करे और ऐसे लड़कियां उड़ा के ले जाए, ऐसा होता है क्या, शर्म ही नहीं आती जरा भी, बेशर्म कहीं के ऐसे इश्क लड़ा के बैठ जाते हैं, इश्किया मुश्किया बस। सनी, सनी, सनी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हैं? तुम जानते हो ना, भरोसा है ना तुम्हें जोजी पे, मुझे बताओ उस लड़की ने तुम्हें ट्रैप किया है, कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे, मुझे बता दो, बता दो। नहीं नहीं कोई ट्रैप नहीं है किसी ने मुझे, बहुत अच्छी लड़की है, आप प्लीज एक बार मिले, प्लीज प्लीज। मैंने ट्रैप भी नहीं किया है, यानी कि मामला इतना सीरियस हो गया, अब क्या करेगी जोजी, क्या करेगी, कुछ सोच कुछ सोच, सोच। हाँ ठीक है सनी, मैं एक दफा तुम्हारे कहने पर तुम्हें मौका दे रही हूँ, मिल लेती हूँ उस लड़की से, लेकिन तुम ये बात याद रखना, अगर वो लड़की किसी भी लिहाज से इतनी सी भी अफशा से कम हुई तो रिश्ता कैंसिल, नहीं होगी वहां शादी, और तुम फिर मुझसे जिद नहीं करोगे, कोई चूचा रानी करोगे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो कह दो उस लड़की से, कल ही उसे देखने के लिए आ रही हूँ, गौर से देखूंगी मैं उसको, समझे? देखो तो सही है कौन ये, अब क्या करेगा सनी। सुनो अम्मी कल आ रही है तुम्हारे घर बात करने। ओह नाइस, फाइनली अम्मी तो ये सुन के बहुत खुश होंगे। वो ना मुझे कुछ बताना भी है तुम्हें। क्या बताना है, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? हाँ टेंशन हो रही है, अगर अम्मी ना मानी तो क्या, तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। कितनी बेहस हो तुम, तुम्हें कभी जिंदगी में मुझसे प्यार होगा भी कि नहीं? अरे क्या हो गया सनी, मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ क्या बात है? वो दरअसल जिस शादी दफ्तर में मैं काम करता था ना, वो कोई और नहीं, मेरी अम्मी चलाती हैं। वो याद नहीं है मिसेस जोजी जो तुम्हारी तरफ आई थी रिश्ता लेके, वही। आई एम सॉरी मैंने तुमसे बात छुपाई, क्योंकि मुझे था कि अगर ये बात पहले करूँगा तो तुम शायद बात ही ना करो मुझसे, मुझे प्लीज गलत मत समझना प्लीज, मैं डर गया था बस। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम, कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश करो, तुम उठा की नहीं रही, मुझे तो लग रहा था तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी, जान अटकी थी मेरी। क्या हो गया, तुम इतना ओवरथिंक क्यों करते हो, वो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। वाकई? हाँ अच्छा बातें करते रहोगे क्या, जल्दी से आ जाओ, अम्मी और दादी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस, 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 अभी हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। ठीक है लेकिन जल्दी आना। ओके 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 सी यू बाय।
चलें। सनी शायद ठीक कहता है, मुझे कभी प्यार व्यार नहीं हो सकता, लेकिन शादी के लिए तो ऑनेस्ट कमिटमेंट होना जरूरी होती है। हाय अम्मी। सनी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहां पहले आई हूं। नहीं नहीं अम्मी, हम यहाँ साथ कभी नहीं आए। बकवास नहीं करो, मुझे लग रहा है मैं आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सारे घर एक जैसे होते, सबके नक्शे एक जैसे होते हैं। अच्छा चलो चल। सनी, मुझे लग रहा है ये वही घर है। यहीं आई, यहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम इस तरह की लड़कियों की कभी शादी नहीं होती जिनकी जबान कैंची की तरह से कचर कचर चलती हो। 20 साल का तजुर्बा है जोजी का, तुम जैसी फतौना तबीयत की लड़कियों के रिश्ते कभी तय नहीं होते। एक बात तो मेरी लिख कर रख लो लड़की, दुनिया की कोई भी सास तुम जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगी। सनी, आपका बेटा है? जी हाँ, मेरा इकलौता लाडला बेटा, जिसके लिए मुझे चांद सी बहू चाहिए, ऐसी लड़की नहीं। देखो जोजी, अब बच्चों की पसंद का मामला है। पसंद कि लड़की इंतहाई शातिर है, इसने जानबूझ के मुझसे बदला लेने के लिए मेरे लड़के को फंसाया है, वरना मेरा मासूम बच्चा तो मेरी मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेता। तुम इतनी चालाक निकलोगी डायन, मुझे भी आपके बेटे से शादी नहीं करनी। चुप, आपका बेटा आपको मुबारक हो। अगर मुझे पता होता ना कि ये आपका इकलौता और फर्माबरदार बेटा है, तो मैं इससे बात तक नहीं करती, बल्कि मुंह भी नहीं लगाती मैं इसे। और हाँ, मैंने इसे नहीं फंसाया, इसने मुझे फंसाया है, समझी आप? सनी, चले जा सकते हैं आप लोग यहाँ से, तो हमें कौन सा शौक है यहाँ रुकने का, ये जा रहे हैं हम यहाँ से। बढ़िया, चलो सनी। परी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम्हारे लहजे में तो गुस्सा है, लेकिन आंखों में मुझे दुख नजर आ रहा है। मैं क्यों दुखी होंगी? देखो बेटा, इस घर में कितने रिश्ते आए हैं और चले गए, मगर इस दफा मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारा दिल टूट गया। मेरा दिल बिल्कुल ठीक है, आप फिल्मी बातें मत करें दादी। देखो बेटा, जब नुकसान दोनों तरफ से अपना ही हो ना, तो झुक जाने में मसलहत है। झुक जाऊं? मैंने किया ही क्या है दादी, आप सनी की अम्मी को अच्छी तरह से जानती हैं, उन्हें अपनी बहू से कितनी सारी तवक्कोआत हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं वैसी। परी मेरी जान, लचक दिखाने में कोई हर्ष नहीं है, और ये बेटों की माएं होती है ना, बहुत नाजुक दिल की होती हैं। इतने सालों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और फिर कल की लड़की के हवाले कर देना आसान नहीं होता। मैं भी बेटे की माँ थी, इसलिए समझ सकती हूँ। मुझे उनके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ठीक हूं, मुझे नींद आ रही है। कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी,
ब्याह करे। अम्मी वो शादी कर रहे हैं। कितनी प्यारी शेरवानी है, मुझे तो समझ आ रही। तुम देख लो पेन वेन के फिटिंग विटिंग सही है, उस दिन कोई मसला ना हो ना। परी देखो, कल जो भी हुआ, कल जो भी हुआ और उससे पहले भी जो कुछ हुआ, मैं सबको भूल चुकी हूँ। बेहतर यही कि तुम भी भूल जाओ। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तुमने तो कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा तुम अम्मी को संभालोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने हमारी फोन पे बात तो सुनी थी ना। तुमने मुझे पहले दिन से झूठी कहानी सुनाई, मुझे धोखा दिया। मैं जो कुछ थी तुम्हारे सामने थी, तुम्हारी हर बात का यकीन किया मैंने, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम अपनी अम्मी के पल्लू से बंधे रहने वाले वो लड़के हो जो लड़की के सामने तो बड़े बड़े दावे करता है लेकिन अपनी अम्मी हजूर के सामने गधे की तरह सर हिलाता रहता है। मेरा प्यार झूठा नहीं था। झूठा था या नहीं, लेकिन जब तरफा था। एंड थैंक गॉड के मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ। All the best, Mr. Sunny. I hope के future में हम एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। बड़ी बड़ा दीदी, love you यार। अरे परीज़, सनी मुबारक हो, तुम्हारी और अफशा की शादी की तारीख में तय कराई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी मैं फरीजे से प्यार करता हूँ। खबरदार उस लड़की का नाम मुंह से निकाला तो मैं जहर खा लूंगी, मैं सच बता रही हूँ। अरे तुम्हें पाला पोसा मेरे बच्चे, इतनी मेहनत की, इतना तनावर दरख्त बनाए, इसलिए मेरी तरबियत कुछ काम ना आई, तुम उस लड़की के चुंगल में फंस गए। नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। देखो मुझे तो समझ नहीं आता उस लड़की का नाम परी कैसे रखा, उसका नाम तो कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई जिन, कोई डायन, कोई इस किस्म का होना चाहिए था। अम्मी आप फिक्र मत करें, शादी और दूर की बात, अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। हे वाकई, अरे फिर से मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत अच्छा किया तुमने। बस तुम मेरे डरावना ख्वाब समझ कर लड़की को भूल जाओ, तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की सिर्फ और सिर्फ अफशा, परफेक्ट। आप के इस घर के लिए परफेक्ट होगी, मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। खैर आपका जो दिल में आता है करें, मुझे बता दीजिएगा, मैं बन जाऊंगा दूल्हा। अरे माँ सत के, कैसा फरमाबरदार बच्चा है मेरा, जीता रहे। बस ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि मुझे रफ्शा को शादी की शॉपिंग के लिए ले जाना अगले हफ्ते, हैं? उसी में तारीख भी तय कर दी है मैंने। सही, जैसे कहती हैं आप। अल्लाह तेरा शुक्र, सारे मामला सही हो गए। बस करते हो क्या है, अल्लाह मेरे बच्चे की शादी का कार्ड। मेरी तस दी जन्नत मुंडे दी मां, अम्मी जी मैं ना मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी बच्ची खुदकुशी ना कर ले। तो ना क्यों फिक्र करती हो, तो ऐसी खामखा अपना दिमाग खराब कर रही हो। हमारी परी जो है वो बहुत समझदार, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी। करे। अरे जोजी जी कैसे हैं आप? अच्छा कि आप आ गई, वरना मैं तो खुद सोच रही थी अगर आप नहीं आई तो मैं ही आ जाती आपके पास। अब पुरानी बातें छोड़ें, हमें चाहिए कि नए रिश्ते की तरफ अगर हम। नया रिश्ता ही बनाया है, अगले हफ्ते बेटे की शादी कर रही हूँ, डॉक्टर बहू ला रही हूँ, अपनी मर्जी अपने मेयार के ऐन मुताबिक जरूर आइएगा आप लोग। और हाँ, वो अपनी खुदसर लड़की को भी साथ जरूर लाइएगा। देखो जोजी, अगर तुमने मेरी पोती के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला ना, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हें वो बेशक जहर क्यों ना लगे, मगर कभी अपने बेटे की आंखों में झांक करके भी देखो परी के लिए कितनी चाहत है। फाड़ में गई उसकी चाहत, बहू तो मेरी डॉक्टर अफशा ही बनेगी, एंड दैट्स फाइनल। जोजी जी,
मैंने ना ये डॉक्टर बहुओं के बड़े किस्से सुने हैं। ये तो छोटी छोटी बात पे ना नाराज हो जाती हैं और जानलेवा दवा दे देती हैं अपनी सासों को। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं आपके साथ हो गया तो फिर ये क्या खुशी के मौके पर बच्चे गुनी की बातें कर रही हैं आप। तो दुर्दाना फिर हम चलेंगे ना शादी पर। हाँ हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी बहू कैसी है जो आपको जहर देगी। लगता है पूरा खानदान ही पागल है। पागल बुढ़िया। अरे अम्मी जी वैसे इसको ना आपको बुढ़िया नहीं बोलना चाहिए था कम से कम। पागल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अच्छा बैठे हैं चाय लाती हूँ। परी मेरी बच्ची उदास नहीं होते। अम्मी अम्मी वो शादी कर रहे हैं। वो तो तुमसे शादी करना चाहता था। मना तो तुमने ही किया था ना। उस वक्त तो मैं गुस्से में थी ना। तो अब माफी मांग लो उसकी माँ से। मैं क्यों माफी मांगूंगी उससे। बेटा देखो उनकी सख्त बातों ने तुम्हें गुस्सा दिलाया और फिर तुमने भी उन्हें सख्ती से जवाब दिया ना। बड़ी हैं वो। तुम माफी मांगोगी तो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मान जाएंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी भी मान जाया करती थी। मैं जब मेरी गलती नहीं भी होती थी मैं तब भी उनसे माफी मांगती थी माफ कर देती थी। इससे उनका मान रह जाता था और मेरा ईमान।
देखो लड़की, तुम यहाँ किसी इरादे से आई हो मैं समझ रही हूँ। अगर अगर तुम मुझ पे हमला करने वाली हो तो दूर हटो, मुझ पे कोई हमला मत करना। देखो मेरे पूरे ऑफिस में कैमरे लगे हुए, दूर हटो। नहीं हटो, मैं वो मैं तो आपसे माफी मांगने आई हूँ। ये क्या सुना मेरे गुनाहगार कानों ने? तुम और माफी? हाँ वो मैंने आपसे जो भी बातें कही उनके लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। तो तुम्हें एहसास हो गया तुम्हारी गलतियों का, राइट? आंटी वो मैं सनी ना 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 ना, ना बेटी जी, सनी का नाम तो अब अपनी जुबान पर भी ना ला, वो अब पराई अमानत है। लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? अरे इन लड़कों के प्यार का क्या भरोसा, कोई दीन ईमान नहीं, चार दिन में भूत की तरह उतर जाता है, सनी का भी उतर जाएगा, बस तुम उसे अपनी शक्ल ना दिखाना। आंटी पर देखो लड़की, तुम माजरत करने आई थी, मैंने कबूल, आपके प्यार मोहब्बत के किस्से ना गाओ, वो किसी और का होने जा रहा है। लेकिन आंटी मैं सनी से सोचना भी मत और जुबान पर तो हरगिज ना लाना। सनी की दुल्हन अफशान ही बनेगी, वो ही उसके लिए बेस्ट। एंड दैट्स फाइन। देख सनी कितनी प्यारी शेरवानी है, मुझे तो समझ आ रही है, तुम देख लो पेन वेन के फिटिंग विटिंग सही है, उस दिन कोई मसला ना हो ना, ट्राई कर लो। ठीक ही होगी। भाई क्या हो गया, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इधर देखो तो उदास क्यों हो तुम? अरे तुम्हें उदास करने वाले तो खुद ही उदास हो गए मेरे बच्चे। वो क्या नाम था उस लड़की का, वो जो मोटर बाइक पे बड़े तरह के घूमती थी, आई थी कल, ऐसी ब्रेकें लगाई ना मैंने, माफी मांग के गई है मुझसे। परीजे ने आपसे माफी मांगी? मैंने भी कह दिया जा बच्चे जोजी से वास्ता पड़ा है, किया माफ। पर ये याद रखना बहू मेरी सिर्फ अफशा बनेगी, इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें बहू बनाऊंगी मैं। वो भी आपकी बहू बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चल पागल ऐनी मुंह लटका के खड़ा हुआ है, देख कितना प्यार, मैं तो सोच भी ले तेरी शादी पे क्या क्या गाने गाऊंगी। देसा दरा जा मेरे बाप, अच्छी है ना? जहर लग रही हो तुम मुझे। क्यों, आपको भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? हाँ और नहीं तो क्या। ये बेटा तुम तो बहुत बहादुर थी, मुकाबला करना जानती थी और अपनी बात दिल में रखने वालों में से नहीं थी तुम। लेकिन आज तो उसकी शादी है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? तुम अपने दूल्हे को किसी और के साथ जाने दोगी क्या? तो उसको भी तो देखे ना, कितने मजे से इस शादी के लिए तैयार हो गया, कुछ साल इंतजार नहीं कर सकता था मेरा। अगर रुक जाता तो फिर तुम्हें कैसे मालूम होता कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? जाओ जाओ शादी रुकवा लो। नहीं दादी, जोजी आंटी कभी नहीं मानेंगी शादी रोकने के लिए।
तो फिर मेरे पास एक और हल है। क्या? भगा लो उसे। क्या? हाँ, अपने दूल्हे को भगा कर ले जाओ। और बेटा, मैंने भी यही किया था, तुम्हारे दादा को भगा कर लाई थी मैं। दादी? हाँ हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है, तुम भी जाओ अपने दूल्हे को भगा कर लाओ। और ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए चूड़ा लेकर आई। चूड़ा पहनो, तैयार हो और जाओ। आई लव यू। जाओ मेरा बच्चा, मैं भी आती हूँ। हाय अल्लाह। चलो जाओ बेटा। अम्मी जी, ये दुल्हन बनके कहाँ जा रही, मेरा तो दिल दहला जा रहा है। ओह दुर्दाना, चुप भी कर जाया कर, खुशी के मौके पर टोका नहीं करते। अपना दूल्हा लेने जा रही है ये। दूल्हा? लेकिन लेकिन कहाँ से अम्मी जी? अरे शादी से और कहाँ से, और हम भी तो जाएंगे ना इसके पीछे, इसकी शादी में। और मैं वो वाला गरारा पहनूंगी जो मैंने रखा हुआ है इसकी शादी के लिए। दादी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करूं? ओह हाँ, मैं रिक्शा करके जा रही हूँ। खुदा हाफिज़ बेटा। या अल्लाह, ये आमी जी, ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी परी की शादी हो रही है ना, और हम भी जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाते, आ जाओ। मम्मी कुछ बताएं तो सही, ये हो क्या रहा है? बस बस भैया, यहीं रोक दो बस। हेलो। हाँ मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे स्टूपिड, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आओ। ओके आई एम वेटिंग। बाजी, मुझे पहचाना आपने? हाँ भैया। आपने पहचाना मुझे? नहीं। वो उस दिन आप मेरे रिक्शा में बैठी थी ना, वो जिस दिन आपके साथ वो लोफर सा लड़का था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। आप शादी से बैठी हैं? अरे नहीं भैया, शादी करने आई हूँ। तुमने शादी का ड्रेस क्यों पहना हुआ है? शादी कर रही हो क्या? हाँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? शादी? क्या? अपने दूल्हे को लेने आई हूँ। तुम्हारा दूल्हा यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम इडियट, तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। तुम मुझसे क्यों शादी करोगी? चले बाजी, रिक्शा स्टार्ट है, पेट्रोल जा रहा है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, देख नहीं रहे तुम? बताओ ना, तुम क्यों शादी करोगी मुझसे? आई लव यू सनी। ओ भाई, तुम भी आई लव यू टू बोलो इसको, और बैठो मेरे रिक्शे में। अरे भाई, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कुट पड़ जाएगी। चलो सनी, हम भाग के शादी करेंगे, फिर तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। नहीं परी, मैं भाग के शादी नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सनी। मैं लड़की होके भाग के आई हूँ कोर्ट मैरिज करने के लिए, और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते? परी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी भी शादी में शरीक हों। सनी, अम्मी कभी नहीं मानेंगी, हमें भागना ही होगा, चलो ना। नहीं परी, मैं नहीं भागूंगा। बाजी, फिर चले क्या? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशी हुई आपके आने की। वैसे वो कहाँ है आपकी बददिमाग पोती, कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह ऐसी किसी कोने में बैठी हुई, मुंह छुपा के रो रही हो बहन। देखिए, मुझे तो सनी
शादी से खुश नहीं लग रहा है। मेरी माँ ने तो ये निकाह भी रुकवा दें। अरे वाह मिसेस दुर्दाना, आप तो एक्सरे, मतलब मेरे बेटे की आंखों से उतर के उसके दिल में इस निकाह के लिए कोई खुशी नहीं आपने महसूस कर ली। मेरा बेटा इस शादी से बहुत खुश है और ये निकाह भी अभी होगा। काजी साहब निकाह शुरू कीजिए। अम्मी निकाह हो चुका है। नहीं, तुम्हारा और अफशा का निकाह कब हुआ है पहले? अम्मी मेरा और अफशा का नहीं, मेरा और परीजे का। सलाम अलैकुम आंटी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती, मैं इस निकाह को नहीं मानती। चलो सनी यहाँ से, सनी कहीं नहीं जाएगा। सनी जाएगा, मैं इसकी माँ हूँ। सनी कहीं नहीं जाएगा, मैं इसकी बीवी हूँ। सनी 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 सनी, एक मिनट, बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि जब तक आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती, मैं इस घर से, एक मिनट बीच में, और मैंने फैसला कर लिया कि जब तक आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो जाती, मैं इस घर से भाग रहा हूं।